दो अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने 41,27,000 का मुद्दे माल जब्त किया। इस कार्रवाई में कितने आरोपियों को हिरासत में लिया गया, आइए देखते हैं इस खबर में। पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई में मुद्दे माल जब्त किया। पुलिस अधीक्षक मोमका सुदर्शन चंद्रपुर इनके आदेश के मुताबिक चंद्रपुर जिले में अवैध मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्थानिक अपराध शाखा को आदेश दिए गए। उस मुताबिक पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार स्थानिक अपराध शाखा चंद्रपुर ने एक पथक नियुक्त कर उन्हें अवैध मामलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 23 अप्रैल को उन्हें जानकारी मिली कि मौजा घोड़पेट के मुख्य चौक में खर्रा व्यवसायिक महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया सुगंधित तम्बाकू अपने घर में रख अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। यह जानकारी प्राप्त होने पर स्थानिक अपराध शाखा के पथक ने मौजा घोड़पेट के खर्रा व्यवसायिक सुमेद उर्फ समीर देवगड़े इसे हिरासत में लेकर तलाशी ली। उसके घर में अंदाजन 47,000 रुपए का महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया सुगंधित तंबाकू पाया गया। भद्रावती में अपराध दर्ज कर मुद्देमाल और आरोपी आगे की कार्रवाई के लिए भद्रावती पुलिस के हिरासत में दिया गया। उसी मुताबिक 24 अप्रैल को सुबह करीब 4 बजे के दौरान गुप्त जानकारी मिली कि नागपुर चंद्रपुर महामार्ग से 2 ट्रकों में क्षमता से अधिक बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से जानवरों की यातायात कर तेलंगाना राज्य में ले जाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर स्थानिक अपराध शाखा के पथक ने मौजा पड़ोली के MIDC चौक में नाकाबंदी की। इस दौरान अशोक लेलैंड कंपनी के 2 ट्रक आते हुए दिखाई दिए। नाकाबंदी दौरान ट्रक को रोकने का इशारा करने पर भी ट्रक नहीं रुके और घुघुस की दिशा की ओर जाने लगे। तभी स्थानिक अपराध शाखा के पथक ने पीछा कर मौजा चिंचाड़ा गांव के पास वाहनों को रोका। 2 ट्रकों में कुल 53 गोवंश पाए गए जिनकी कीमत 20,60,000 रुपए और 2 ट्रक जिसकी कीमत 20,00,000 रुपए और 2 मोबाइल जिसकी कीमत 20,000 रुपए, ऐसा कुल 40,80,000 रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया। आरोपी 19 वर्षीय वसीम खान यूनुस खान, 25 वर्षीय फारूक खान गफ्फार खान, इन पर अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को पड़ोली पुलिस के हिरासत में दिया गया। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रयारकर की रिपोर्ट।